सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाई चल रहे हैं हिंदी का अगला जो है भाग है, तो जिसमें हम आज नया चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें से ये है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द जो होते हैं एक दो मार्क्स के हर एक एग्जाम में आते हैं, तो ये एग्जाम वन डे एग्जाम के देश से ये जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है हम कर लेते हैं, जिससे कि लेखपाल आने वाली भर्तियां, जैसे लेखपाल की है और बहुत सारी जो यूपी से यूपी में निकलने वाली भर्तियां हैं, तो उसमें जो है एक दो मार्क्स के आते ही आते हैं, उसमें हम देखते हैं, तो उसी के नजरिए से हम इसको जो है तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहला है अंक। अंक क्या होता है, जैसे चिन्ह, चिन्ह अंक का अनेकार्थक शब्द क्या होता है, चिन्ह, और उसी का अनेकार्थक शब्द अक्षर है, अक्षर या चिन्ह या निशान, निशान या धब्बा या गोल या शरीर, ये सभी जो है अंक के जो है अनेकार्थक शब्द आते हैं, चिन्ह, अक्षर, निशान, धब्बा, गोल और शरीर, ये जो है आए हुए सभी एग्जाम में, जिस एग्जाम में और जो इम्पोर्टेंट है, जो आए हुए जो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये उसको सभी प्रश्न के जो सभी जो अनेकार्थक शब्द हैं उनके बाद हम लिखे हुए हैं कि किस एग्जाम में कब आया है, कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे अनेकार्थक शब्द से रिलेटेड, तो वो सभी इम्पोर्टेंट ही होंगे, इसलिए इसको दो तीन बार देखना जिससे कि याद हो जाए। तो दूसरा हम देखते हैं अपवाद, कलंक, दोष या खंडन। जो अपवाद है उसका क्या होता है, कलंक, दोष या खंडन जो होता है इसका अनेकार्थक शब्द होता है। उसके बाद तीसरा है अमृत। अमृत जो है जल, पारा, अमृत का जल, पारा, दूध, अन्न, स्वर्ण, सुधा या मृत्यु, ये सभी क्या होते हैं, अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं। उसके बाद आता है अंबर। अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं, वस्त्र आकाश को भी बोलते हैं, और कपास, अभ्रक और मेघ, मेघ को, ये सभी जो है अनेकार्थक शब्द हैं अभ्रक अंबर के। उसके बाद अर्क है, अर्क सूर्य को अर्क बोला जाता है, अर्क सूर्य को जो है अर्क बोलते हैं, और मदार का जो पौधा होता है उसको अर्क बोलते हैं, इंद्र और काढ़ा, इन सभी को अर्क बोला जाता है, ठीक है। ये भी आया हुआ है एपीओ में और आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया हुआ है। अर्थ जो होता है धन, अर्थ का मतलब धन होता है, मतलब उसका होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब, और अभिप्राय, अभिप्राय भी होता है। इसका अक्षर, अक्षर जो होता है वर्ण, सत्य, मूछ, आकाश, आत्मा और नित्य होता है, ठीक है। मूछ का अक्षर का मतलब होता है वर्ण, सत्य, मूछ, आकाश, आत्मा और नित्य, ये सभी इसके अनेकार्थक शब्द है। उसके बाद आता है अपेक्षा। तो अपेक्षा जो है इच्छा, आशा, आवश्यकता, ये क्या है, अपेक्षा का होता है। उसके बाद अज, अज में बकरा, मेघ, राश, शिव और ब्रह्मा, ये सभी जो है इसके अज के जो अनेकार्थक शब्द है। उसके बाद अंचल। अंचल साड़ी का जो पल्लू होता है अंचल, उसको अंचल बोलते हैं, प्रदेश या सिरा, कोई एक सिरा या प्रदेश को भी अंचल बोला जाता है। अंत, सिरा, अंत बोलते हैं अंतिम, अंत, सिरा जिसको बोलते हैं समाप्ति या मृत्यु बोलते हैं। उसके बाद अंतरंग जो है गुप्त या घनिष्ठ या भीतरी भाग जो होता है उसको अंतरंग बोलते हैं। अकाल, अकाल जो होता है दुर्भिक्ष या किसी चीज की कमी, तो कमी होती है, या असमय, ये क्या होता है, अकाल होता है, ठीक है। तो ये अभी मैंने 13 मतलब 13 जो है अनेकार्थक शब्द बताए हैं, 13 शब्द के अनेकार्थक शब्द बताए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अनेकार्थक शब्द। अगला नंबर देखते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष को सभापति, प्रभारी या विभाग का मुखिया भी बोलते हैं। तो अध्यक्ष में क्या हो जाएगा, अध्यक्ष का अनेकार्थक शब्द सभापति, प्रभारी या विभाग का मुखिया होता है। उसके अनुरूप, किसी के अनुकूल जो होता है इसका अनुकूल या उपयुक्त या सदृश, सदृश हो गया, अनुरूप हो गया, या अनुकूल हो गया, या उपयुक्त हो गया, ये सभी अनेकार्थक शब्द है। अन्न में कोई खाद्य पदार्थ या फिर अनाज जो होता है वो अनेकार्थक शब्द होता है अन्न का। अबोध में, अबोध जो होता है वो नासमझ, दुर्बोध या मूर्ख, ये सभी जो है अनेकार्थक शब्द है। जो अबोध जो नासमझ होता है या फिर दुर्बोध है और मूर्ख, ये सभी है अबोध के अनेकार्थक शब्द हैं। अब्ज में कपूर, शंख या चंद्रमा, ये सभी आते हैं अब्ज में। उसके बाद है अभिधान। अभिधान में नाम है या पदनाम है या शब्दकोश, ये सभी अनेकार्थक शब्द में आते हैं। अमल में नशा पानी या कार्यान्वयन, कार्यान्वयन हो गया या फिर नशा पानी जो होता है उसको अमल बोला जाता है। और अलग,
पृथक अलग जो होता है वो पृथक हो गया, भिन्न हो गया और अछूता, ये सभी अलग के अनेकार्थी शब्द होंगे। अलग के अनेकार्थी शब्द जो है वो पृथक है, भिन्न है या अछूता है। अवली जो है झुंड जो होता है, झुंड या श्रेणी या माला या पंक्ति। झुंड श्रेणी हो गई, माला हो गया, पंक्ति हो गया, ये सभी अनेकार्थी शब्द में आते हैं। अवैध में गैर कानूनी नाजायज, ये सभी जो होते हैं आते हैं अनेकार्थक शब्द में। उसके बाद है अशुद्ध में अपवित्र, गलत या गंदा। अशुद्ध में अपवित्र, गलत या गंदा जो होता है वो अनेकार्थक शब्द आते हैं। उसके बाद है असली में मौलिक है, असली का मौलिक हो गया या फिर वास्तविक हो गया या फिर शुद्ध। मौलिक, वास्तविक या शुद्ध जो होता है वो असली होता है। अम्भोज में जो होता है, अम्भोज का जो अनेकार्थ शब्द है, अम्भोज में कमल, वज्र, ब्रह्मा या शंख। कमल, वज्र और ब्रह्मा या शंख जो है ये अनेकार्थक शब्द है अम्भोज के। अयन में आता है, अयन का जो अनेकार्थ शब्द है गति, आश्रम, स्थान या काल, ये सभी अयन के अनेकार्थक शब्द हैं। अर्घ के जलदान, अर्घ जो होता है अर्घ के जलदान या मूल या भेंट, ये सभी अनेकार्थी शब्द होते हैं। उसके बाद है अवतंस, अवतंस में भूषण है, टीका है, तो भूषण और टीका जो होता है ये अवतंस का अनेकार्थी शब्द होता है। इसमें कि अवतंस में भूषण, टीका, श्रेष्ठ, व्यक्ति, माला, थाली और जो है दूल्हा, ये सभी जो है अवतंस में अनेकार्थी शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है 30 मैंने आज 30 जो है अनेकार्थ 30 शब्दों के अनेकार्थक शब्द बताए हैं जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आए हुए क्वेश्चन है। तो ये सभी को वीडियो देख करके 2-3 बार देखें जिससे कि अच्छे से याद हो जाए और आने वाले एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको सही कर सकें। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें जिससे सभी के पास ये मेरा वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और लोगों को लाभ पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।